9 मार्च को भारत की ओर से एक मिसाइल दागी गई जो पाकिस्तान की सीमा में जाकर गिर गई। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि रूटीन मेंटेनेंस के दौरान एक तकनीकी गड़बड़ी के चलते गलती से ये मिसाइल फायर हो गई। भारत सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश भी दिया है। राहत की बात ये रही कि इस मिसाइल हादसे में किसी की जान नहीं गई। वहीं इस पूरे मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ और बातों का खुलासा किया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि ये मिसाइल पाकिस्तान के मियां चानू नामक जगह पर गिरी जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि मिसाइल हरियाणा के सिरसा से फायर की गई थी। आपको बता दें कि हरियाणा के सिरसा में इंडियन एयरफोर्स का बेस है, इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये मिसाइल सिरसा बेस से ही फायर हुई होगी। इस पूरे मामले में पाकिस्तान ने सख्त विरोध दर्ज करवाते हुए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की मांग की है, मगर भारत सरकार ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए सहमति नहीं दी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम इससे पहले भी पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए भारत आ चुकी है। क्या इस बार भी भारत सरकार ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए हामी भरती है या नहीं, ये देखना अहम होगा। साथ ही मिलिट्री वर्ल्ड में भारत की ओर से हुई इस चूक पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं, ऐसे में इस तरह की घटनाएं भविष्य में युद्ध को बुलावा दे सकती है। आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।